नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली में गौचर मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। गौचर मेले का आयोजन 1943 से तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर ने आरंभ करवाया था। इस मेले का आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिवस यानी कि बाल दिवस पर शुरू होकर 20 नवंबर तक आयोजित होता है। गौचर मेला उत्तराखंड के बड़े मेलों में शुमार है। मेले में इस बार राफ्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। तिब्बत की सीमा पर लगने वाले जनपद चमोली और पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति के लोगों की पहल पर हाट बाजार के रूप में लगने वाला ये मेला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यहाँ के जो जिलाधिकारी उन्होंने हमको नया विभाग जोड़े हैं, उनको हमको लगातार करना होगा ताकि बाहर से पर्यटक इनकम कम होगी। जब बाहर से पर्यटक यहाँ पर आएगा उस समय इनकम होगी। नगर पालिका पोखरी के अध्यक्ष और सभी सभासदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी से मिलकर विरोध दर्ज करवाया और पोखरी क्षेत्र में विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी चमोली ने सभासदों, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की संयुक्त बैठक कर योजनावार समीक्षा करने की बात कही, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके और सभी का पक्ष जाना जा सके। यहाँ पे अध्यक्ष जी और कुछ पार्षदगण ये यहाँ पे आए थे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कुछ कुछ कंप्लेंट लेकर, तो उसको ले लिया गया है और उनको समझा भी दिया गया है और इसको SDM के माध्यम से इसकी जांच भी कराई जाएगी। जो घोटाला किया गया है इसकी भी जांच होनी चाहिए और नगर पंचायत को ऐसे ही वो जो है भगवान चाहे तो किसी भी नगर पंचायत को न मिले, जैसे जो पोखरी को मिला है। जहाँ भी ये रहेगा हमेशा का एक झूठापन है इसके अंदर और ये विकास कार्य नहीं होने देना चाहता है। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में BSNL के 50 से ज्यादा टावर बंद हो गए। BSNL के द्वारा विद्युत विभाग के बिजली बिलों के करोड़ों रुपए का भुगतान न किए जाने पर विद्युत विभाग ने BSNL टावरों की सप्लाई बंद कर दी। टावर बंद होने से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का संपर्क भी बंद हो गया। पिंडर घाटी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। BSNL पर करोड़ों रुपए का बकाया होने के चलते बागेश्वर समेत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में भी BSNL के 50 टावरों की सप्लाई बंद हो चुकी है। बागेश्वर जिले में विद्युत विभाग का बिल जमा नहीं करने पर विभाग ने हरशिला, लीती, धूर, रवाई खाल के टावरों की सप्लाई काट दी। तो हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तो हम उनको उन तक पहुंचने नहीं पाते और जिससे हमें काफी असुविधा होती है। BSNL का सबसे ज्यादा उपयोग उपभोक्ता यहाँ पर करता है, जिस वजह से उपभोक्ताओं में काफी रोष है, नाराजगी है, क्योंकि समय समय पर यह टावर के जो टावर से जो है समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं, नेटवर्क ना आना। मैं बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन शामिल थे, उनका कहना है कि जो BSNL का टावर रवाई खाल में लगा हुआ है तो उसमें विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी पूरी संचार सुविधा ठप हो गई है। तो ये खेद का विषय है कि BSNL को इसमें देखना चाहिए, अगर कहीं पर विद्युत का कनेक्शन कट गया है तो कुछ वजह अवश्य होगी। उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति को बचाने के लिए अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पौराणिक नृत्य और गीतों को शामिल कर इनके संरक्षण के प्रयास कई जगहों पर किए जा रहे हैं। पौड़ी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र चौबटा खाल के चांदकोट क्षेत्र में भी इसी तरह से सांस्कृतिक और पौराणिक लोक नृत्यों का मंचन किया जा रहा है। कौथिक नाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक नृत्य की प्रस्तुति देखने के लिए दूर दराज के गाँव से भी लोग पहुँच रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय चौबटा खाल में किया जा रहा है। कई क्षेत्रों के महिला मंगल दल थड़िया और चौफला जैसे नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां यहां पर दे रहे हैं। पिछले 45 दिनों से बढ़ी हुई फीस को लेकर आयुष छात्रों का देहरादून के परेड ग्राउंड में आमरण अनशन जारी है। गुरुवार को आयुष मंत्री हरक सिंह रावत के विरोध स्वरूप छात्र छात्राओं ने उनकी शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि पिछले 45 दिनों से लगातार बढ़ी हुई फीस को लेकर वो आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रहा, लिहाजा आंदोलन करने के लिए छात्र मजबूर हैं। आपको बता दें कि भारी तादाद में छात्रों ने आयुष मंत्री हरक सिंह रावत की शव यात्रा निकाली, हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें परेड ग्राउंड गेट पर ही रोक दिया गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी बढ़ी हुई फीस कम नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमें यहाँ 45 दिन हो चुके हैं, ना तो कोई सरकार सुन रही है, ना हमारे आयुष मंत्री हरक सिंह रावत को कोई फर्क पड़ रहा है। हम 45 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने तो उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आए उनको मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम 45 डेज से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ और खंडपीठ का जो आदेश आ गया था एक वर्ष पहले, उसका पालन किया जाए। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल दुग्ध विकास एवं जनपद के प्रभारी धन सिंह रावत ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। जलवायु परिवर्तन के समकालीन मुद्दे, जैव विविधता का संरक्षण एवं हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
डॉक्टर रावत ने सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनकी सदुपयोगता पूरे विश्व की समस्या है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का निजी तौर पर सहभागी होना आवश्यक है। इसको हमने चार सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है वो है क्लाइमेट चेंज का, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और चौथा है नमामि गंगे। तो ये जो प्रोग्राम चलेगा ये 14, 15, 16 तीन दिन की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मसूरी में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह एकता और एकजुटता का प्रतीक है। वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में पहली बार इस प्रकार का आयोजन कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। नेहरू जी की आज जयंती है और पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है 14 नवंबर का दिन। आधुनिक भारत के निर्माता हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी नेहरू जी रहे। मैं आज शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से देश के प्रथम प्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की पूरे देश को, मसूरी को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने अपने मन में इस चीज़ को समझा कि चलो बड़ों ने काम किया तो हम उस चीज़ को याद रखें और लोगों को दिखाएं कि बड़ों का भी सम्मान होना चाहिए। उनकी भावना बहुत अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। टिहरी के जिला चिकित्सालय बोराड़ी में अल्ट्रासाउंड सेवा बंद हो चुकी है, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीज बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही वापस जा रहे हैं। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवती जंगपानी ने बताया कि विगत शाम को केंद्रीय निरीक्षक टीम ने अस्पताल में छापा मारा तो अल्ट्रासाउंड में कुछ दस्तावेजों में कमी दिखाई दी, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड को सीज कर दिया गया। दिक्कत है आपको? क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हमारी SDM है, हमारे ACMO है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ हमने यहाँ पे चेक किया तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि PCPNDT एक्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। तो कुछ कानूनी जो दस्तावेज थे वो उनके पास थे नहीं मेंटेन, इसलिए उन्होंने मशीन सील की है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।